प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। पिछली बार भी हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, एक बार फिर उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। आप याद करिए, हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जब दो बातचीत करने वाले, दो वक्ता आपस में बात करते हैं, तो उनकी बातचीत को डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दो वक्ताओं के बीच की बात जब हम अपने शब्दों में बयान करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ये वाक्य है, रजिया सैड टू रवि, रजिया ने रवि से कहा, द पिकॉक इज़ ए ब्यूटिफुल बर्ड, मोर एक सुंदर पक्षी है। तो ये जो वाक्य है, इतना द पिकॉक इज़ ए ब्यूटिफुल बर्ड, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। इसमें रजिया सैड टू रवि, रजिया ने रवि से कहा, कहने वाला कौन है, बात करने वाला यानी वक्ता कौन है, रजिया। जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। रजिया सैड टू रवि, रजिया ने रवि से कहा, द पिकॉक इज ए ब्यूटिफुल बर्ड, मोर एक सुंदर पक्षी है। तो इसमें ये जो भाग है इन्वर्टेड कोमास के अंदर का, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कोमे तक का भाग है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये एक डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। जब हम डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। कुछ परिवर्तन इस रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं और कुछ परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या परिवर्तन होते हैं, ये जो देखो, रजिया सेड टू रवि, रजिया ने रवि से कहा, तो कहा ये वर्ब है, सेड कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो या तो से होगा या सेज होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर है, एक वचन के साथ से, एक वचन के साथ एस या एस लगा होगा वर्ब में, सेज होगा, और बहुवचनकर्ता के साथ से होगा। और फ्यूचर में विल का प्रयोग हो सकता है, विल से कहेगा, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, सैड कहा। रजिया सैड टू रवि, रजिया ने रवि से कहा, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें से या सेज को जो का तू लिखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर टू भी है, से टू या सेज टू, तो फिर उसका टेल्स कर देते हैं। और अगर विल से है तो उसका विल से का विल से कहेंगे, और विल से के बाद टू भी है तो विल टेल कर देंगे, विल से का विल से ही लिखेंगे, विल से टू, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो विल टेल कर देंगे। और सैड तक है तो सैड का सैड ही लिखेंगे, सैड के बाद टू है तो सैड टू का टोल्ड कर देंगे। तो इसमें तो सिर्फ इतना परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग स्पीच में कि सैड टू का टोल्ड हो जाएगा और सेज टू का टेल्स हो जाएगा, विल से टू का विल टेल हो जाएगा, विल सेज जो का तू रहेगा, से या सेज जो का तू रहेगा, सिर्फ इसमें तो ये परिवर्तन है। एफिर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ये जो हम कर रहे हैं, ये एफिर्मेटिव सेंटेंस को बदलने की बात कर रहे हैं, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये केवल एफिर्मेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें तो सिर्फ इतना परिवर्तन होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें तीन परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा इसके टेंस में परिवर्तन। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, यानी किस समय की बात है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो नियम ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय
हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, जो का क्यों लिख देते हैं? फिर समझ लीजिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस है वो अपने पास्ट में बदल जाएगा। मतलब अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर पास्ट में होगा, मान लीजिए पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। फ्यूचर में अगर है तो विल और शैल का वुड हो जाएगा, और कैन अगर है तो कैन का कुड हो जाएगा, मे अगर है तो मे का माइट हो जाएगा। और अगर इज एम आर है, इज एम आर, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर हो जाएगा, एकवचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर। इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, और अगर वाज वर है तो वाज वर का हेड बीन हो जाएगा, वाज वर का हेड बीन हो जाएगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर डू डज वाक्य के शुरू में है तो डू डज हट जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर वाक्य के शुरू में डू डज है तो डू डज हट जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। और अगर डू नॉट या डज नॉट है, डू नॉट डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वो डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में बदल जाएगा, डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर डिड है तो डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, डिड हैड में बदल जाएगा। डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। Has been, have been, has have का हैड हो जाएगा, has have का हैड हो जाएगा। Has have के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। Will have, shall have फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। Has, have, had के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। Has been, have been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में has been, have been और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग होता है, since या for लगा के टाइम लगता है। तो has been और have been को had been में बदल देना है। Had been जो का त्यों रहेगा, had been नहीं बदलता, had been नहीं बदलेगा। Will और shall ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं। Will, shall के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। Will, shall और फर्स्ट फॉर्म जो है तो will का would हो जाएगा, shall का भी would हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। Will, shall के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो will का would हो जाएगा, shall का भी would हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर would है तो वो नहीं बदलता, would का would रहेगा। कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और वुड अगर है तो वुड नहीं बदलेगा, शुड नहीं बदलेगा, कुड नहीं बदलेगा, मस्ट नहीं बदलेगा, आउट टू नहीं बदलेगा, नीड नॉट नहीं बदलेगा। ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब नहीं बदलते, यानी कैन का तो कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल शैल का वुड हो जाएगा, लेकिन वुड नहीं बदलेगा, शुड नहीं बदलेगा, कुड नहीं बदलेगा, माइट नहीं बदलेगा, मस्ट नहीं बदलेगा, नीड नॉट नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, भरत सेज टू मी, भरत मुझसे कहता है, सेज टू कहता है, भरत मुझसे कहता है, क्या कहता है? उसके शब्दों को जो का तो इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया तो डायरेक्ट स्पीच होगी ये। हॉट मिल्क इज वेरी यूजफुल, गरम दूध बहुत लाभदायक होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इस रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या परिवर्तन करेंगे? सेज टू का टेल्स हो जाएगा, ये सेज टू की जगह टेल्स हो गया, भरत सेज टू की जगह हो गया टेल्स, भरत टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दीजिए,
तो ये हो गया भरत टेल्स मी दैट हॉट मिल्क इज वेरी यूजफुल, जो क्या तू बदले, इसमें कुछ बदलने का है ही नहीं। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसका इज रहेगा, एम का एम रहेगा, आर का आर रहेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, इसके टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ये पाप को बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दूसरा वाक्य है ही विल से, वह कहेगा मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। He will say, वो कहेगा that mother is suffering from fever, कि माँ को बुखार आ रहा है। तो चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो ये नहीं बदल, इसका क्या हो जाएगा, विल से का विल से ही लिखेंगे। अभी बताया था आपको विल से का विल से रहेगा, अगर विल से टू होता तो विल टेल कर देते तो ये क्या हो गया, ही विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा जता के दैट मदर इज, इज यू का टू रहेगा चूंकि रिपोर्टिंग वर्ड फ्यूचर टेंस में है, तो ही विल से दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये इनडायरेक्ट हो गया। शीला सेड, शीला ने कहा द मेड हैज बीन वर्किंग, मेड मतलब नौकरानी, हैज बीन वर्किंग काम कर रही है, इन दी हाउस घर में, सिंस मार्च, मार्च से नौकरानी मार्च से घर में काम कर रही है, तो क्या करेंगे इसका, सैड का बताया, सैड का सैड ही रहेगा, तो शीला सैड दैट द मेड, कोमा हटा के दैट लगा दिया, सैड का सैड ही लिखा, शीला सैड दैट द मेड। अब ये चूंकि पास्ट टेंस में है तो इसलिए ये बदलेगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, तो हैज बीन का हैड बीन हो गया, द मेड हैड बीन वर्किंग इन द हाउस सिंस मार्च। फिर समझिए, शीला सैड कोमा हटा के हो गया दैट, शीला सैड दैट द मेड हैज बीन का हो गया हैड बीन वर्किंग इन द हाउस सिंस मार्च। अब ये देखिए अमित सैड टू रवि, अमित ने रवि से कहा द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, किसान खेत जोत रहा है, तो सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल भाई सब काटिए भाई, तो सैड टू का हो गया टोल्ड, अमित टोल्ड रवि दैट द फार्मर इज है, चूंकि ये पास्ट में इसलिए इज एम आर का क्या हो गया, वाज और फार्मर एक वचन है तो वाज लिखा, ये बहुवचन होता तो वर लिखते, फिर तो द फार्मर इज प्लोइंग का हो गया वाज प्लोइंग द फील्ड, द फार्मर वाज प्लोइंग द फील्ड। इस प्रकार से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद, अपवाद मतलब जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता, वो कौन कौन सी परिस्थिति होती है। नंबर एक है यूनिवर्सल ट्रुथ, ये इस नियम के एक्सेप्शन है, अपवाद। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर की बात, मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है या आसमान नीला होता है, माँ ने मुझसे कहा, कहा पास्ट टेंस है, नियम के अनुसार जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में बदल जाता है, बदल जाना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर कही गई बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो
यानी सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सर्वमान्य सार्वभौमिक सत्य है, जिसे सब सच मानते हैं, वास्तव में सच है, तो फिर उसका टेंस नहीं बदलता, भले ही रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में भी क्यों ना हो। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे मदर सेड दैट, नहीं मदर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, मदर टोल्ड मी दैट द स्काई इज ब्लू। ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लीजिए इसमें इसकी जगह ये होता द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मूव्स का मूव्स ही रहेगा, वो टेंस नहीं बदलेगा। ये तो नंबर एक यूनिवर्सल ट्रूथ। नंबर दो, मान लीजिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर कही गई बात कोई कहावत हो, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब कहावत, सी सैड उसने कहा डॉग्स बार्क